जी, क्योंकि 3 महीने से हम इसी चीज की वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय हो, लेकिन चीजों को घुमा फिरा के वहीं ला के छोड़ दिया गया है और कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। तो इसलिए इस बार हम ये चाहते हैं कि इस बार जब तक हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, सारी की सारी हम यहीं रहेंगे। साथियों, हमारे साथ हैं सत्यव्रत कदियान, साक्षी मलिक जी के पति, और जानते हैं उनसे इस आंदोलन, इस धरने की अब क्या वजह है। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्यों दोबारा 3 महीने बाद आप वापस उसी जगह लौट कर आए जहां से सबको छोड़ा था? जी, क्योंकि 3 महीने से हम इसी चीज की वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय हो, लेकिन चीजों को घुमा फिरा के वहीं ला के छोड़ दिया गया है और कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। तो इसलिए इस बार हम ये चाहते हैं कि इस बार जब तक हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, सारी की सारी हम यहीं रहेंगे। 3 महीने पहले जब सरकार ने कमेटी बनाई थी, तब बबीता फोगाट इस मामले के बीच में आई थी और कहीं ना कहीं वो बीजेपी से बिलोंग भी करती हैं, तो क्या एक बार फिर से वो आएंगी इसमें, या इस बार आप पॉलिटिकली बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पर्सन ना आए? हम तो चाहें जी कोई भी आए, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल है ही नहीं, ये खेल का मामला है। खिलाड़ी जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, वो पूरे देश का होता है। ये तो है नहीं कि भाई हम जब बाहर मेडल जीतते हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा फहराते हैं, हम तो तिरंगा फहराते हैं, देश के लिए खेलते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुझे लगता है कि सवाल ही गलत है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना तो सपोर्ट करते और ना किसी का विरोध करते। हम तो रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ हैं कि भैया उन्होंने जो तानाशाही की है, उन्होंने जो हमारी बहनों के साथ गलत किया, भाई उनको न्याय मिलना चाहिए। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो साक्षी मलिक ने ये कहा कि अभी तक FIR नहीं हुई है, उसकी क्या वजह है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि अब आपकी आगे क्या मांगे हैं जी? क्यों नहीं हुई, क्यों FIR नहीं हुई, ये सवाल तो आपको प्रशासन से पूछना चाहिए। और आगे की मांग यही है भाई कि हमारे को तो जो है, हमारी जो बहनें हैं उनको तो न्याय मिले और साथ में फेडरेशन जो है, जो फेडरेशन की बागडोर है, वो अच्छे हाथों में जाए। यानी आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पूरा फेडरेशन का जो बागडोर है किसी नए बंदे के हाथ में जाए, ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह के फैमिली से रिलेटेड हो। जी जी जी, यही मेन पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत जी। थैंक यू जी। अब खेल की बागदौड़ नए लोगों को देने की चाह रखी जा रही है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह पे कई सारे सवाल हैं एक सांसद के तौर पर, एक अध्यक्ष के तौर पर, वहीं कई सारे सवाल अब खिलाड़ी भी उठा रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं रोहित चौधरी, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज, दिल्ली तक। धन्यवाद।